व्लॉग में बने रहिए दोस्तों। आप लोग गाड़ी नो पार्किंग में क्यों खड़ी करते हो? हम लोग यहाँ पे रील्स बनाने के लिए आए थे, बट यहाँ पे देखो मैं इसमें खड़े होके करती हूँ, बट तो वीडियो यहाँ से बनाना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तभी मैं शॉप में आई थी ये लेने के लिए मैक्रोनी और मैजिक मसाला, तो आज मैं बना रही हूँ मैक्रोनी अपने लिए क्योंकि मम्मी और निया का फास्ट है ट्यूजडे का, तो यस मैक्रोनी बनाते हैं। परसों मैंने बनाई थी, इतनी स्वादिष्ट बनाई थी ना, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम मैजिक मसाला डाल दिया था, ऐसी अच्छी बनी थी, तो इस बार दोबारा बनाएंगे सेम तरीके से। वही यहाँ रख दिया मैंने अपनी मैक्रोनी बॉईल करने के लिए। चिंटू को यहाँ दे दिया हमने खाना, और अभी मम्मी को रवि भैया का व्लॉग दिखा रही थी, वो बूबू जी वाला ना मस्त व्लॉग है भैया। यार ये टीवी का रिमोट चल ही नहीं रहा है, मतलब मुझे कब से चैनल हटाना है, बट कुछ नहीं चल रहा है, रिमोट चल ही नहीं रहा है। चलो भाई अपनी मैक्रोनी बना लेते हैं फटाफट। यहाँ पे बन चुकी है मेरी मैक्रोनी, और मैक्रोनी खाते हैं, उसके आगे का प्लान फिर बताऊंगी कि क्या है। शायद हम कोसी नदी जा सकते हैं, तो अगर जाएंगे तो वहाँ का व्यू इतना बढ़िया है ना, वो दिखाऊंगी। अगर नहीं जाएंगे तो कसार देवी जाएंगे, मतलब कहीं तो जाएंगे शायद, जो भी होगा देखी जाएगी। ब्रेकफास्ट करते हैं तो हम लोग जा रहे हैं कोसी नदी रील्स बनाने के लिए, और वहाँ से आता है एक नंबर नज़ारा, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, है ना। व्लॉग में बने रहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छा व्यू मिलने वाला है, है ना नया। अरे यहाँ पे अभी याद आ रहा है, एक कमेंट आया था ना, आप लोग गाड़ी नो पार्किंग में क्यों खड़ी करते हो? यार नो पार्किंग का बोर्ड है, मैं सोचा यार हमने कब नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी, तो ये बोर्ड ऐसे ही लगा है। पार्किंग तो यही होगी, पार्किंग तो सब, मतलब सब चाहे कोई भी बोर्ड लगाए, पार्किंग तो इधर ही होती है। यहाँ पे तो अभी तीन गाड़ियां और खड़ी होती है, तीन बाइक स्कूटी जो भी, मतलब चलें तो चलते हैं कोसी रिवर, वहां मिलेंगे आपको। चलो मेरे को स्कूटी में बैठे बैठे प्यास लगी, मेरा गला सूख गया, अच्छा हुआ पानी लेकर आ गई मैं, मजा आ गया। ये ऑन ही है तेरा रास्ता? हमारे पास ही आ रही है वो, मारना मत कुछ 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 कुछ। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं कोसी रिवर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये रिवर, और पानी बहुत कम हो गया, मतलब पहले बहुत ज्यादा पानी था इधर, बट अभी पानी का फ्लो बहुत कम है, कंकड़ कंकड़ दिख रहे हैं, मैदान ज्यादा हो गया, कंकड़ बहुत ज्यादा है, पानी कम है। क्या हो गया गाइज, वो भी उठ गई। 5 minutes later हम लोग यहाँ पे रील्स बनाने के लिए आए थे, बट यहाँ पे देखो कितने सारे लोग आ गए, ये देखो कितनी सारी मछलियाँ यार इधर, अब बताए बहुत सारी एक साथ इधर थी, मेरे आती सब उधर चले गई, मछलियाँ कम छिपकलियाँ ज्यादा लग रही हैं। तो नेहा और मैं भी कंपटीशन कर रहे हैं, जो जितना दूर पत्थर फेंकेगा वो जीत जाएगा, ठीक है। कहाँ से मारेगी? चल इधर इधर के चली, उतना दूर तो नहीं फेंक पाएगी, देखो तो कह रही हो वहाँ उस बिल्डिंग में तो नहीं चले जाएगा, चल तू कर पहले, इसी जगह से, ठीक है इसी जगह से, ठीक है ले बेटा बना, चल रहने दे मैं बना लूंगी, देखो उस पत्थर तक गया मेरा, मैं उधर फेंक रही थी उधर चला गया, चल अब तू हाँ उधर ही को फेंको। थोड़ा सा देर हो गई, मेरा यहाँ था नेहा का यहाँ, हार गई तू, अब तुझे मेरे को पार्टी देनी पड़ेगी। पार्टी देने की बात नहीं हुई थी नेहा, ये कैसा रहेगा जो वहाँ पे पत्थर है ना बीचों बीच, ये वाला पत्थर है जो कैमरे में था, ये वाला मैं इसमें खड़े होकर करती हूँ, बट तू वीडियो यहाँ से बनाना, और मैं यहाँ से पत्थर 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 बताती हूँ, ये इतने पत्थर है, ये पत्थर 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 है, यहाँ से बनाऊंगी तब आएगा अच्छा। फिर उधर पत्थर पे, हाँ कितने दूर की लोकेशन ली तूने अपनी, है मुझे लगा था तो उस वाले पत्थर पे जाएगी, हाँ इसमें तो रुको जरा सबर करो, जाते गाना कौन लगाएगा कौन सा गाना है आज, आप वीडियो क्लियर नहीं आ रही, पूरी फट रही है, इसलिए इसे वापस बुला लिया हीरोइन को। आज बहुत अच्छी जगह देखी तूने अपने लिए, पर
फट रही थी वीडियो, फट रही थी, कुछ भी नहीं बननी है, खाली भी ले। रील्स तो और भी फसल तो बनानी थी, बट ये धूप ने बहुत ज्यादा ड्रेन कर दिया है, पूरा सूख चुके हैं हम लोग। तो हम लोग जाते हैं घर, पानी वगैरह एक बार और पीते हैं। दो तीन बार ऑलरेडी पानी पी लिया हम लोगों ने, बट यस ये लोकेशन काफी अच्छी है रील्स बनाने के लिए, म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए अच्छी 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 लोकेशन है, बट पानी कम है इधर वैसे, वरना यहाँ पानी ज्यादा रहता है। लेट्स गो। लहंगा ले रही है, खुद से बड़ा तो इसका लहंगा हो गया। हाँ जी दोस्तों, तो मैं घर आ चुकी हूँ, मतलब हम घर आ चुके हैं, उसके बाद खाना भी खा लिया, थोड़ी देर फोन में टाइम पास भी कर लिया। और अब मुझे जो बताना था वो ये कि चिंटू की तबीयत जो है वो कल रात को अचानक से खराब हो गई, मतलब उसके ना वापस से जोंक चला गया नाक में। आपको याद है जब जोजो में जंगल में खो गए थे ना, उस वाले व्लॉग में जाके देखना ये कितना गंदा कीचड़ होके आया था, तो उसी टाइम पे सबने बोल दिया था कि इसके नाक में जोंक गया ही होगा पक्का, और उसके नाक में जोंक गया है, तो वो परेशान कर रहा है, वो बड़ा हो गया ना, जोंक बड़ा हो गया है, तो वो परेशान कर रहा है चिंटू को। कल रात को इसके नाक के अंदर चला गया, पता नहीं क्या, इसकी नाक बंद हो गई, तो रात भर ये मतलब रात भर परेशान था, सोया नहीं। हम खुद 12 बजे सोए और सुबह 5 बजे उठा दिया चिंटू ने, तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी। बाकी आज तो वो ठीक है, अभी सुबह तो ठीक है, उसे आज हॉस्पिटल जाना था, अब देखेंगे कल या परसों हॉस्पिटल ले जाएंगे। हॉस्पिटल वाले भी कुछ नहीं कर रहे यार, डॉक्टर लोग ना सिर्फ वो नींबू डाल दे रहे नाक में, मतलब कुछ कुछ तरीका तो होगा ना जोंक निकालने के, डायरेक्ट वो नींबू डाल रहे हैं, बस हो गया, उससे निकल ही नहीं रहे। मम्मी और नेहा गए अभी मार्केट, बस इतना अपडेट करना था, फोन लगेगा चार्ज पे और टीवी ऑन होगी। हेलो गाइज, क्या है, क्या हो गया? चिंटू नहीं है ना अभी इधर, चिंटू को रोड में चला गया और सारे बंदर इधर आ गए। नेहा चल, तू आज जितना मोमो वगैरह खाएगी तो खा ले, मोमो चाउमिन तो खा, जितना खाने नहीं पता, जितना खाने। देख कितना अच्छा लगा ना, मैंने गुड वाइब सुन ली, सिर्फ मेरे वजह से घर में गुड वाइब आती है दोस्तों। सुबह 9 बजे उठती है और गुड वाइब्स आती है। ये मम्मी बाजार गई थी, दूध लेके नहीं आई है, ये प्रैक्टिस कर रही है डांस की। तो मैं कह रही थी कि मम्मी से पहले कसम खा मैं नहीं डालूंगी, पहले कसम के पहले कसम बोल, ये व्लॉग उनकी शादी के बाद अपलोड होगा, बाद में अपलोड होगा। बाद में कब होगा? बाद में होगा, ये अभी नहीं, मैं रेस्ट पर हूँ डेली व्लॉगिंग से। तो अभी मम्मी और नेहा मार्केट से आ रहे हैं दूध लेके, तो मुझे दूध लेने जाना है, तो इनके दोनों का फास्ट में सोच रही हूँ कि एक हाफ फ्राइड में वो पैक करके घर में लेकर आके मेरे सामने बोलेगी, चल फिर एक समोसा ले आऊंगी। अरे दोस्तों मोमो खाना है हमको आज, मम्मी का फास्ट है दोस्तों, नेहा का भी, हमको कह रही हूं नेहा का भी फास्ट है। हमने मेरे संगीत के लिए गाना सेलेक्ट किया, मम्मी आओ ना, बलम धीरे चलो, बलम धीरे चलो। और नया तेरा कौन सा गाना है? झुमका पेरेली, झुमका आती है, मैं डिलीट करूंगी तो पता भी नहीं चलेगा, मैं देख लेना, तू फिर ये मत कहना कोई भी क्लिप डिलीट हो गई है, मेरे को गाली नहीं देगी। मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए और चिंटू भी ऊपर ही बोला, चिंटू चिंटू तो यहाँ आसपास कहीं भी नहीं दिख रहा, अगर यहाँ दिख जाता तो सही था, क्योंकि बीच रोड में दिखेगा वो ऊपर कैंट में, फिर स्कूटी के पीछे पीछे भागेगा। मैंने सोचा यहीं पर ही होगा इस टाइम पे, तो यहीं पर कहीं खेलते हैं, पर इधर है ही नहीं। ये बंदर कितनी छोटी सी डाली में, मतलब कितनी पतली डाली में बैठा हुआ है। दूध भी ले लिया दोस्तों। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया अंकल? नहीं नहीं वाले भी हो गया, दूध वाला बिस्किट हो गया, नहीं खाए संतोष, नहीं खाते, आप देते रहते होंगे ना इसको, आप बंद नहीं की बंद नहीं खाएगी। अच्छा सिर्फ बिस्किट बिस्किट नहीं, क्या लो ही बिस्किट। अच्छा अंकल बता रहे हैं वो सिर्फ बिस्किट खाती है, वो भी ग्लूकोस और सीएनसी बिस्किट ऐसे। पहुंच गए जी घर और ऐसे कुत्ता मुझे एक और ध्यान आ रहा है, हल्द्वानी में हम बन दे रहे थे कुत्ते को, तो अंकल क्या कह रहे, ये बन नहीं खाता, ये सिर्फ चिकन मोमो खाता है, बताओ। तो यहाँ पे एक और डॉग दिखा, इसको भी दे देते हैं, चिंबू ले, खा रहा है खा रहा है। वैसे मुझे ना चिंटू का भी डाउट लग रहा है, पता नहीं खाएगा नहीं खाएगा, चिंटू पता नहीं कहाँ है, अभी तक नहीं आया घर, तो मैं उसको लेने जा रही हूँ, टाइम हो चुका है, 7 बजने वाला है। चिंटू तू घर को क्यों नहीं आ रहे हैं? घर को क्यों नहीं आ रहे हैं? घर को क्यों नहीं आ रहे? इस साइड से ना कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही थी, इसलिए मैं इधर को आई इसको देखने के लिए। इसकी हालत देखो, ये देखो, ये भाई साहब, ये
बेटा तू तो माँ के हाथ से गया गया तू अब। अरे तो खा रहा है, ये तो खा रहा है भाई। समय हो रहा है 7:30 और यहाँ पर जो है तो डिनर जो है बन चुका है क्योंकि मम्मी को यहाँ का फास्ट था तो मैं डिनर करती हूँ। और व्लॉग भी ऑलमोस्ट एडिट हो ही चुका है, मैं कोशिश करूंगी रेगुलर रहने की बट नहीं हो पाता यार। एक तो आप लोग अप्रिशिएट भी नहीं करते हो है ना, तो जो डेली व्लॉग डालते हैं ना उसको अप्रिशिएशन मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि डेली व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। व्यूज तो चलो बात की बात है, लेकिन जो डेली व्लॉग करते हैं ना भले उसको ज़्यादा भी जाते भले कम व्यूज आते उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। भले आप किसी के भी व्लॉग देखते हो प्लीज़ अप्रिशिएट करा करो यार, डेली व्लॉग बहुत मुश्किल है। बाकी इस व्लॉग का करते हैं समाप्त, कमेंट में अप्रिशिएशन जरूर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, ख्याल रखिए अपना और अपनों का। बाय गाइस।